अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। आवाज़ गुज़िश्ता कल से थोड़ी सी बेहतर। आपकी क्लास तक आते आते थोड़ी ट्रेनिंग हो जाती है, नीचे वाली क्लास में जो है ना, तो वो थोड़ी सी और बेहतर। वहाँ पे शुरू में बिल्कुल ही बैठी हुई होती है, तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला कल थोड़ी सी और बेहतर होगी। हैवी हैवी दवाइयाँ शुरू कर दी हैं। तो आप लोगों ने घर जाके पढ़ा, सबसे पहले तो आप लोगों ने एक रजिस्टर परचेज किया, लिखा हुआ है चेहरों पर कि आधों ने परचेज कर लिया है। पता है अगर आप अभी से ठंडे हो गए ना, तो फिर इसने बड़े आराम से फेल हो जाना है। याद है, बहुत रिलैक्स तरीके से फेल हो जाता है पेपर, बड़े सुकून से बगैर तकलीफ दिए फेल हो जाता है। तो अभी से थोड़ा सा सीरियस होके और डे टू डे काम कर लें। अभी अगर आपने साथ साथ चलाया ना, तो आपको महसूस भी नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपने एक दो हफ्ते भी स्किप कर दिए, तो उसके बाद आप हर वक्त भागते फिर रहे होंगे, कंप्लीट करते फिर रहे होंगे, और कंप्लीट हो नहीं पाएगा। तो अभी के अभी चूँकि हम कम कम पढ़ रहे हैं, तो आप रजिस्टर मेंटेन करना शुरू कर दें और साथ साथ उस पर काम शुरू कर दें। कल कुछ बातें पढ़ी थी हमने, प्रॉमिस किसे कहते हैं। जी जी, आप बैठे बैठे बता सकते हैं, कोई मसला नहीं। मतलब अब ये जो है ना, वो चले, मैं थोड़ा सा आप लोगों को भी बता दूं, क्योंकि अब आप लोग ज़रा प्रोफेशनल एजुकेशन में आ गए हैं, तो यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा ये है कि वो वाला स्कूल कॉलेज वाला माहौल नहीं है। अगर कभी क्लास से बाहर जाना हो तो मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, कोशिश करें कि बगैर ज़रूरत ना जाएँ। हाँ, मोबाइल साइलेंट रखेंगे तो अच्छा लगेगा, ताकि आपके इर्द गिर्द वाले और टीचर भी डिस्टर्ब ना हो। लेकिन कोई ज़रूरी फ़ोन कॉल है, साइलेंट पे वाइब्रेट कर रहा आपने देखा, तो आप चले जाएं और वापस उठ के खामोशी से आके बैठ जाएं, कोई मसला नहीं। क्लास में आते हुए जाते हुए कोई इस तरह से, तो इसी तरह से अगर मैं किसी से सवाल पूछूँ, तो ज़रूरी नहीं कि आप खड़े होकर आंसर करें। ठीक है, वो आप लोगों की अपनी रिस्पेक्ट होती है, लेकिन बहरहाल मतलब अब जो है वो आप लोग आहिस्ता आहिस्ता प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ आ रहे हैं, तो इधर जो है वो बच्चे बदमाश होते हैं, टीचर जो है वो बेचारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, और स्कूल कॉलेजों में ज़रा थोड़ा सा कॉलेज या स्कूल का होल्ड होता है। अनफॉर्चुनेटली हम ट्यूशन सेंटर हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम है। अगर दाखला हम लोगों ने भेजना हो ना, फिर कोई टेस्ट छोड़ के दिखाए, तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि आप लोग रेगुलेटेड निज़ाम के आदि होते हैं FSC तक, और यहाँ आके डीरेगुलेट हो जाता है। और ऊपर से अगर कोई टीचर इंफरादी तौर पे कोशिश करे, मैं क्लास में फाइन शाइन वगैरह रखता हूँ, तो मेरी शिकायतें पहुँच जाती हैं, वो जी टीचर ने फाइन रख दिया, वो तो जो है हमारे जज्बात से बच्चे जाके पर बताते हैं कि देखिए जी हमारी फसल में इतना लॉस हुआ, और उसके बाद आदि साहब ने 50 रुपये की खतीर रकम जो है ना हमारे ऊपर फ़ाइन लगा दी। तो फिर हम कहते हैं भाई ये तुम्हारे लिए की है, ताकि तुम्हारी मजीद खतीर रकम जो पेपर में गई है वो ना ज़ाया हो। लेकिन कहने का मतलब है कि हम उतना रेगुलेटेड नहीं है। तो भाई हमें बता रहे थे प्रॉमिस के बारे में। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent, then he said to make a proof. ठीक है जी, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, डेफिनेशन सही थी, लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट को नहीं समझा। कि मैंने ऑफर तो पूछा ही नहीं था, मैंने प्रपोजल नहीं पूछा था। IKF कई दफ़ा अपने एग्जामिनर कमेंट में कहता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मिस अंडरस्टूड द रिक्वायरमेंट, तो जवाब इन्होंने सही दिया, याद भी सही है। अब इसका मतलब है खाली याददाश्त काफ़ी नहीं है, समझना ज़रूरी है। तो सवाल प्रॉमिस के बारे में था, मैंने सोचा सर सबसे पहले ऑफर पूछेंगे, फिर उससे आगे एक एक करके आएंगे। तो ठीक है, आपने अच्छी डेफिनेशन बताई, मैक्सिमम करीब करीब पहुँचा दी, आपने ऑफर या प्रपोजल की डेफिनेशन बताई। प्रॉमिस के बारे में किबला क्या बताना चाहेंगे? When the proposal is made to any other person and the proposal is accepted, ठीक है, it is called. ठीक है जी, अगर एक प्रपोजल दिया जाए और वो प्रपोजल आगे से एक्सेप्ट हो जाए, तो हम ये कहते हैं कि इनके दरमियान प्रॉमिस बन गया। और प्रॉमिस एक भी हो सकता है और सेट ऑफ प्रॉमिस भी हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस भी कर सकते हैं। तो ये एग्रीमेंट क्या होता है? ये वाले भाई जी, ये आगे वाले ब्लू शर्ट वाले, प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेज जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बने हुए होते हैं, तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, या हम ये भी कह सकते हैं एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, जो लीगल बाइंडिंग क्रिएट कर दे, वो फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो यहाँ तक मुझे बताएं कि ऑफर और उसके मुकाबले में एक्सेप्टेंस, ये दोनों जब इकट्ठे हुए तो क्या बना? प्रॉमिस।
प्रॉमिस में अगर कोई वजह ऐड हो गई, एक तो प्रॉमिस है ना बातें करने का प्रॉमिस, खेलने का प्रॉमिस, या अगर उसमें कोई कमर्शियल वजह शामिल हो गई, कंसिडरेशन शामिल हो गई एग्रीमेंट, और अगर इस एग्रीमेंट को कानूनी तरीके से कोई उसमें पेचीदगी ऐड कर दी कॉन्ट्रैक्ट, और ऑनवर्ड जब भी कोई हम एग्जाम्पल पढ़ रहे होंगे हमारी अजम्पशन क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट है डन। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने बेसिक बात समझने की कोशिश की कि क्या है किस तरह से। तोहफर की भाई ने बड़ी पेचीदा सी डेफिनेशन बताई, कोई और भाई अगर दोबारा से यही पेचीदा डेफिनेशन, ये काले कुर्ते वाले भाई, मैं कह रहा सेम टू सेम, जब कोई किसी को, भाई ने बहुत रोमांचक अंदाज में बात शुरू की जी, जब कोई किसी को कोई पेशकश करता है बस, नहीं इसमें इरादा गायब कर दिया आपने। हो सकता है एक बंदे ने शुगल में दूसरे से कहा हो कि हाँ भाई मैं तुम्हें 10 रुपए के 100 किलो आम देने लगा हूँ, और शुगल में कह के आगे बढ़ जाए, ये ऑफर नहीं है। तो फिर ऑफर में और क्या शामिल होना चाहिए? नियत। नियत जब एक बंदा इस इरादे से दूसरे को बताता है कि मैं तैयार हूं, क्या तुम भी एग्री करते हो? तो बिल्कुल आपके जुमले में जब एक बंदा दूसरे को कोई पेशकश इस इरादे से करे कि वो उसकी रजामंदी लेना चाहता है, तो शुगल में की गई ऑफर ऑफर नहीं कहलाएगी। ऑफर में इसका मतलब दोनों चीजें शामिल करनी है कि आप बताएंगे मैं रेडी हूं टू डू दिस और नॉट टू डू दिस, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ताकि उसकी एक्नॉलेजमेंट ली जा सके, उसकी असेंट ली जा सके ऑन सच एक्ट कि मैं ये करूँगा और सच एब्सटेनेंस। चलें जी, अब हमें ये डेफिनेशन किबला हो जाए डेफिनेशन जी जी। वन पर्सन सिग्निफाइज हिज एसेट, हिज विलिंगनेस, ठीक है, ठीक है, थोड़ी तरतीब आगे पीछे लेकिन मतलब सही चल रहा है। With the view of obtaining the assent of another. Obtaining the assent of that other. The proposal is said to be. तो फिर ये कहा जाएगा कि इसने जो किया है वो प्रपोजल है, और ये बंदा क्या कहलाएगा? प्रपोजर कहलाएगा, ये ऑफरर कहलाएगा। ठीक है जी, ये बात हमने समझी। तो जो एक्सेप्टेंस देता है वो सबसे एंड पे जो भाई बैठे हुए हैं, सर जी मैं आपको नजर आ रहा हूँ, सफेद वाले भाई, ठीक है, ये प्रपोजल दिया जाता है और आगे से एक्सेप्टेंस हो जाती है, तो ये क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। सोच लें, खाली प्रपोजल और एक्सेप्टेंस है, प्रॉमिस। प्रॉमिस में क्या शामिल करें कि एग्रीमेंट बने? कोई वजह, कोई कंसिडरेशन शामिल है, कंसिडरेशन चैप्टर 3 में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और फिर इसमें मजीद क्या शामिल करें कि कॉन्ट्रैक्ट बन जाए? कोई लीगल बाइंडिंग, कोई लीगल पेचीदगी, कोई इस तरह की फॉर्मेलिटी ऐड कर दें जिससे कल को ये एनफोर्सेबल हो जाए। ये एनफोर्सेबल हो जाए से क्या मुराद है? चौथी रो में वो कॉर्नर पे ग्लासेस वाले भाई, यहां से 45 के एंगल पे इंप्लीमेंट हो जाए। इंप्लीमेंट तो गवर्नमेंट करती है ना कवानीन को, हम कह रहे हैं लॉ की नजर में एनफोर्सेबल हो। ये एनफोर्सेबल का मतलब क्या है? नहीं मैं आपसे मैं कहूँ इन दो बंदों के दरमियान जो है ये एनफोर्सेबल है और इन दो के दरमियान जो है ये एनफोर्सेबल नहीं है, तो ये एनफोर्सेबल होने का मतलब ज़रूरी हो जाए, वाजिब हो जाए, ऐसा वाजिब हो जाए कि जो ना करने पे अदालत। तो एनफोर्सेबल का मतलब है जो अदालत जाके फोर्स करवाया जा सके, जो अदालत जाके कह सकें ये वादा करके मुकर गया है, इसने मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये मुआहदा हुआ था। तो एनफोर्सेबल का मतलब है ऐसा ऐसा मुआहदा जो अदालत में जाके फोर्स करवाया जा सके कि हाँ भाई अब इसको कहें कि ये पूरा करे, या ये मुझे जुर्माना दे, इसने मेरा कानून तोड़ा है, मेरे साथ किया हुआ एग्रीमेंट तोड़ दिया। डन। ठीक है जी, ऑफर की डेफिनेशन और अभी तक ये जो 3-4 अल्फाज पढ़े हैं इसमें कोई कंफ्यूजन जी? ये एक लाइन लिखी हुई है, पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी बाउंड। ठीक है, कहा था एग्रीमेंट में अगर लीगल बाइंडिंग होगी तो बाउंड होगी वरना। ठीक है, असल में ये जुमला कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, इससे ऊपर एग्रीमेंट। हाँ, अब असल में हो ये रहा है कि किताब आहिस्ता आहिस्ता हमें एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट तक का सफ़र करवा रही है,
और आगे फिर हम कॉन्ट्रैक्ट बोला करेंगे, एग्रीमेंट कभी कभी बोलेंगे जब हमें नजर आएगा कि अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं पहुंचा। तो बताना चाह रहे हैं जैसे मैंने कहा कि एग्रीमेंट में क्या ऐड कर देंगे वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो एग्रीमेंट में फिर बाइंडिंग ऐड हो जाएगी, जब वो इसमें ये वाला मामला होगा वो मामला होगा, तो इसलिए वो आपको एग्रीमेंट से आगे तक का सफ़र करवा रहे हैं। जी जी अब अगेन वो दोनों का तकरीबन फ़िलहाल मतलब सेम है, यानी कि हम कह रहे हैं कि पार्टीज़ बाउंड है, मस्ट का मतलब ये है कि अभी इन्हें लाजमी करना पड़ेगा, तो उन्होंने ज़रा ज़्यादा भारी वर्ड इस्तेमाल कर लिया, लेकिन आर से भी काम चल जाएगा। जी ऑफर की डेफिनेशन, प्रॉमिस की डेफिनेशन, एग्रीमेंट की डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, इन डेफिनेशन में कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताएं। सब क्लियर है। फिर हमने दो वर्ड्स पढ़े, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस पढ़ा और इम्प्लाइड पढ़ा। एक्सप्रेस वो वाले भाई, रिटन या ओरल, चलें जी वो पीछे आगे वाले भाई ने जवाब दे दिया, रिटन या ओरल को हम कहेंगे एक्सप्रेस। एक्सप्रेस को कहते हैं जो वर्ड्स में बताया जाए, तो या वर्ड्स बोले जाएं या वर्ड्स लिखे जाएं। इम्प्लाइड क्या होता है? अदरवाइज देन थ्रू वर्ड्स, यानी कि जो बोल के लिख के ना हो वो इम्प्लाइड है। तो इम्प्लाइड नॉर्मली आपके एक्शंस से होती है, आपकी डिफरेंट एक्शंस। अब मैंने एक एग्जांपल दी थी ऑफर एक्सेप्टेंस की कि एक बस पास आके रुकी, वो एक इम्प्लाइड ऑफर थी, आप बस के अंदर चले गए, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस थी। ऐसी कोई एक आध और एग्जाम्पल आप लोगों की तरफ से अगर आ जाए। क्या खूबसूरत बात कर दी, डिपार्टमेंटल स्टोर पे गए, चीनी वहाँ 1 किलो पड़ी हुई थी, वो उठा के ऐसे करके यहाँ रखा और जेब से पैसे निकाल के उन्हें दे दिए, ना कुछ बोला ना कुछ लिखा, लेकिन इनके वो चीनी 1 किलो की एक ऐसी जगह से उठाना जिस पे प्राइस टैग लगा हुआ है और उतने ही पैसे उनके हाथ में थमा देना, इनका ये एक्शन इनकी तरफ से एक ऑफ़र है कि हाँ भाई ये चीनी मुझे इतने की चाहिए। और जब उन्होंने यूं पकड़ के अपने पास रख लिया और इनसे कहा ले जाएं या रसीद भी निकाल दी, तो वो उनकी तरफ से। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा बोल के कॉन्ट्रैक्ट हो, लिख के कॉन्ट्रैक्ट हो, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ हो, कभी कभी आपके एक्शन से भी नज़र आ जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। क्लियर? जी ठीक है, ठीक है जी। एक बड़ा मज़े का सवाल आया है कि एक ने बोला या लिख के ऑफ़र दे दी और दूसरे ने इशारे से उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब कभी कभी क्या होता है, ऑफ़र देने वाला बताता है कि मुझे इस ऑफ़र का जवाब तुमसे किस तरह से चाहिए, मॉड बता देता है कि जो मैं ऑफ़र दे रहा हूँ इस ऑफ़र का जवाब मुझे इसी तरह से बोल के चाहिए। एक बंदे दूसरे को खत लिखा कि मैं तुम्हें इतनी चीज़ें बेचना चाहता हूँ इतने की, अगर तुम एग्री करते हो तो तुम भी खत में मुझे जवाब दे दो। अगर इसने बताया है मॉड के जवाब कैसे देना है तो उस मॉड में जवाब देना है, और अगर इसने कुछ नहीं बताया तो दूसरे की मर्ज़ी वो किसी तरह से भी जवाब दे दे, अगर इसे नहीं पसंद तो कह देगा यार इस तरह से नहीं मुझे इस तरह से जवाब चाहिए। तो कहने का मतलब है कि एक्सेप्टेंस उसी मोड में होती है नॉर्मली जिस मोड में ऑफ़र आई है, लेकिन ऑफ़र देने वाला अगर बता दे कि बस इसी तरीके से मुझे जवाब चाहिए और नहीं चाहिए तो फिर हम बाउंड हैं। अदरवाइज एक्सेप्ट करने वाला डिफरेंट तरीके से एक्सेप्टेंस दे दे और ऑफ़र देने वाले ने एक्सेप्ट भी कर लिया उसे कि हाँ ठीक है कोई मसला नहीं, तो वो वैलिड हो जाएगा। अभी हम एक्सेप्टेंस में जाएंगे तो ये वाला रूल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी हाँ, असल में कहना ये चाह रहे हैं कि एक्सप्रेस का मतलब है कि कहीं ना कहीं लफ्ज इस्तेमाल हुए हों, तो या ऑफर में लफ्ज इस्तेमाल हो गए हों या एक्सेप्टेंस, मतलब इनमें से किसी एक जगह भी हो गए ना, तो इसका मतलब है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ एक्सप्रेस शामिल था। तो एक्सप्रेस का मतलब हमेशा होगा बोला गया या लिखा गया, तो इन दो में से एक भी चीज़ अगर एक्सप्रेस हो गई, जैसे भाई ने कहा कि ऑफ़र तो एक्सप्रेस हुई है जवाब एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है अगर कोई एतराज़ नहीं किया। ऑफ़र देने वाला अगर याद है मैंने कहा तो ऑफ़र में कंडीशंस हो सकती हैं, ऑफ़र देने वाला कंडीशन लगा दे मुझे इस ऑफ़र का जवाब यूँ चाहिए, तो अब वो कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। जी सर, एक कंडीशन में आपने दो पॉइंट लिखे हैं, एक में सब्जेक्ट टू सम कंडीशन और एक में स्पेशल टर्म्स। ठीक है, स्पेशल टर्म्स की एग्जांपल देखिए, ऑफर में कई तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। एक ऑफर में दूसरे के लिए कंडीशन हो सकती है, मैंने ऑफर दी
मैंने कहा जी मैंने 1 kg मैंगोज आपको बेचने हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने 200 रुपए के नोट देने हैं। ये मैंने शर्त रखी है एक्सेप्ट करने वाले के लिए। तो ऑफर में ऐसा भी हो सकता है कि एक शर्त हो, जब ये शर्त मौजूद है तो मैं फिर ये शर्त बताऊंगा, अपने कॉन्ट्रैक्ट में बताऊंगा कि भाई मेरी ये बुनियादी शर्त है। कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट ही किसी शर्त पर डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैंने अगले बंदे से कहा यार अगर इस संडे को मार्केट खुली हुई तो मैं तुम्हें 1 kg आम दे दूंगा। अब मैंने उस बंदे की एक्सेप्टेंस पर शर्त नहीं लगाई, मैंने शर्त क्या रखी है, मार्केट। तो अगर मार्केट खुली ना हुई तो मेरी ऑफर भी फौत है। अब मेरी ऑफर ही डिपेंडेंट हो गई। पहले मैंने क्या कहा था, मेरी ऑफर है, तुम अगर यूं जवाब दे दोगे तो चलेगा। और अब मैंने क्या कहा है, मेरी ऑफर तब वैलिड है जब संडे को मार्केट खुली हो। तो ये दोनों तरह से हो सकता है, ऑफर में भी कंडीशन हो सकती है और एक्सेप्टेंस देने वाले के लिए भी कंडीशंस हो सकती हैं। ऑफर के आप लोगों ने कुछ पॉइंट्स पढ़े, ऑफरर अपने आप को ऑफर नहीं दे सकता, क्लियर है ये बात। ऑफर सर्टेन और डेफिनेट होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन ना हो। यानी कि सुनने वाले, पढ़ने वाले, देखने वाले, समझने वाले ने समझा हो कि अगले बंदे ने क्या बात की है, उस ऑफर के अंदर ऐसा डाउट ना हो कि जिसके 2-3 मतलब लिए जा सकते हों। फल और सब्जी वाली बात सर्च किया, फिर किसी ने तो सर्च किया होगा, 50 मिनट गुजारने थे घर के, भाई 20 मिनट में रजिस्टर ले आया बाहर से, अगले 20 मिनट में आपने लिख लिया, तो जो 10 मिनट बचे उसमें फिर सर्च किया होगा फल और सब्जी में। चले एक दफा आपको दोबारा से चांस देता हूँ, कल मैं आपसे पूछूंगा फल और सब्जी में फर्क क्या है। हैरत की बात है, ये तो बड़ा कॉमन सी बात है ये तो हमें, लेकिन हो सकता है कोई फर्क बड़ा अजीब सा होता हो, कोई कानूनी फर्क हो। ये भाई कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है, जो स्टेम वगैरह के थ्रू उग रहे हैं वो वेजिटेबल्स हैं, और जो फूल के अंदर से निकले वो फल है ना, फलता फूलता देखते उसे जो है ना, वो तो फल और फूल, फूल से फल, ठीक है जी। तो ये एक शर्त हमारे पास आई है कि जो फल जो फूल से निकले वो फल है। आम का पहले फूल होता है कोई, पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं, मैं मतलब कुछ ऐसे उसकी शक्ल सी होती है जो थोड़ा सा, उसके बाद वो फ्लावर टाइप से इस तरह, और ये जो ऑरेंज होता है ये भी शुरू में फूल होता है। तो कुछ 4-5 फल देख लेते हैं ना, अगर सारे ही ऐसे होते हैं। ये जो तरबूज होता है क्या ये सब्जी है या फल है, इसे सब्जी ना माना तो बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। तरबूज दरख्त के ऊपर होता है या ज़मीन के नीचे होता है, और ज़मीन के नीचे ज़्यादातर सब्जियां होती हैं। एक ये निशानी भी कुछ कुछ लग रही है, और टमाटर, टमाटर कहाँ होता है, मतलब आप, मैं बहुत ज़्यादा ज़रिए नॉलेज नहीं रखता इसलिए ज़रा पूछने की कोशिश करूँ। फूल वाली बात से सही हो जाती है, फेल हो जाती है। इसका मतलब दो बातें हैं, या तो ये डेफिनेशंस गलत है, या हम लोगों ने कुछ फलों को सब्जियां कहना शुरू कर दिया है और कुछ सब्जियों को फल कहना शुरू कर दिया है। जो मज़े की नहीं लगती उसे सब्जी कह देते हैं, जो मज़े का लगता है उसे फल कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। या हम कहते हैं जिसमें मिठास हो शायद वो फल है, जिसमें मिठास ना हो, तो इसका मतलब है हमारी जो है ना, मतलब माशर्ती तौर पे हम जो है ना कुछ गलत चीज़ें डिक्लेयर करके बैठे हुए हैं। हरी मिर्च का भी पौधा होता है, करेले का भी फ्लावर होता है। तो इसका मतलब है कि अब आपको मजीद रिसर्च की ज़रूरत है, मुझे वो एब्सोल्यूट शर्तें बताएं जिससे साफ पता लग जाए कि ये वाकई फल है और ये सब्जी है, और फिर हमारे मुल्क में जितने भी फल और जितने भी सब्जियां कहलाए जाते हैं वो उस पर पूरा उतरें। नहीं तो हम डिक्लेयर करते हैं और फिर हम फेसबुक पे नोटिफिकेशन डाल दें और हम वहाँ पे जाके कहें कि जी अकॉर्डिंग टू रिसर्च हम लोग ये गलती कर रहे हैं, ये चीज़ फल है जिसको हम सब्जी कहते आए हैं। कानून है ना, बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं, अब तो हमने बाल की खाल उतारनी है, अब तो एक एक लफ्ज़ के ऊपर बहस होगी, ठीक है जी। टमाटर भी फल है, मेरी भी अंडरस्टैंडिंग यही है कि टमाटर फल है, मुझे ऐसा लगता है कि टमाटर फल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन हम उसको नॉर्मली सब्जी कह देते हैं।
अब आप ये ना कहिएगा कि जिसको काट के सालन में डालें और पकाएं तो वो सब्जी है। लोग सेब का शोरबा भी बनाते हैं। चलें, इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा वो है, इख्तलाफी एक पॉइंट है। थोड़ी सी और तहकीक करें, और दूसरा ये कि थोड़ा सा अपने बड़ों से भी पूछें कि जी ये इनमें क्या फ़र्क है, उनके पास कोई ना कोई देसी ऐसा जवाब ज़रूर मौजूद होगा जैसे फ़ौरन से पता लग जाएगा। एक बात इन्होंने की, इन्होंने कहा ऑफरी भी कंडीशन दे सकता है। ऑफरी कौन है? जिसने एक्सेप्ट करना है। ऑफरर कौन है? जिसने ऑफर देनी है। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं ऑफर की शर्तें। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि अगर ऑफरी जवाब में अपनी शर्तें रख दें फिर क्या होगा। इसको हम कहते हैं काउंटर ऑफर। ए ने बी से कहा कि हाँ भाई, मैं 200 रुपए दे के तुमसे 1 किलो आम लेना चाहता हूँ। ऑफर ने बता दिया। ऑफरी ने कहा मैं 1 किलो आम तो देना चाहता हूँ लेकिन 220 रुपए में देना चाहता हूँ। अब ये काउंटर ऑफर हो गई। अब ऑफर देने वाला बी है, उसने अब 220 रुपए की ऑफर दे दी है। ए एक्सेप्ट करेगा तो अब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो अगर एक्सेप्ट करने वाला अपनी शर्त रख दे तो रिवर्स हो जाता है मामला। लेकिन अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे, अभी हम ऑफर तक हैं। जी, ऑफर वाली बातें समझ आ रही हैं? सर्टन और डेफिनेट होनी चाहिए, सेम बंदे को नहीं होनी चाहिए। अगर कोई स्पेशल कंडीशंस हैं तो फिर बताना होगा, नहीं बताएंगे तो फिर बाद में आप ये नहीं कह सकते तुमने मेरी शर्त पूरी नहीं की। तो अगर कोई ख़ास शर्त है तो वो आपको बतानी होगी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? कोई बात जो नहीं समझ आ रही, कहानी को बढ़ाते हैं आगे। समझ समझ के चलना है। लें जी, आखिरी दो पॉइंट्स हमने छोड़ दिए थे। ये चूंकि इसकी लाइन नीचे तक जा रही है तो यहाँ से मुझे याद आया कि इंतज़ामिया ने कहा है कि अगर फ्रंट रो वाले बच्चों को कहा जाए या आप लोगों को बताया जाए कि फ्रंट रो पे अगर ना बैठें, इससे जो पीछे वाले लोग हैं उनको थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत होती है, आप लोगों के सर उन्हें ज़्यादा नज़र आते हैं और जो लिखी हुई चीज़ है वो थोड़ी सी कम नज़र आती है। तो अब आप कहेंगे सर अब तो आगे बच्चे भी नहीं बैठे हुए, अभी भी नहीं नज़र आ रही। तो मैं तशरीही सर्विसेज के लिए भी मौजूद हूँ, मैं साथ साथ बता भी रहा हूँ तो यहाँ क्या लिखा है। मज़े की बात है कि ये दिखाना मकसद नहीं है, मतलब मैं आपको ज़बानी बता रहा हूँ, आप घर जाके भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ख्वाहिश ये होती है कि ऐसा ना हो कि घर जाके आप किसी लाइन पर अटके रहें तो मैं पहले समझा दूँ लॉजिकली, फिर इधर से ट्रेस भी करवा दूँ ताकि जब आप घर जाके देखें तो आपको थोड़ा सा अपनाइयत सी लगे कि हाँ भाई ये अल्फाज तो हम लोगों ने देखे हुए हैं। ऑफ़र कम्युनिकेट होनी चाहिए, ऐसे ही है। बोली हुई ऑफ़र कैसे कम्युनिकेट होगी? जब वो सुन ले। लिखी हुई ऑफर कैसे कम्युनिकेट होगी? और इम्प्लाइड ऑफर कैसे कम्युनिकेट होगी? जब वो समझ जाए कि हाँ भाई इन एक्शंस का ये मतलब है। ख़त से अगर भेजेंगे ऑफर, जब उसे ख़त मिल जाएगा। देखते हैं, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, ये लाइन तो सीधी सी है। कम्युनिकेशन इज कम्प्लीट, कब कम्प्लीट होगी? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी, जब ऑफरी के नॉलेज में आ जाए। ऑफरी वो दूर पहाड़ पे खड़ा है और आपने यहाँ से ऊंचा चीख के उसे ऑफर दिया है, अगर उसको पता नहीं लगा तो ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुई। ऑफर कब कम्युनिकेट होगी? ऑफरी के नॉलेज में आ जाए, व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ ऑफरी। इफ ऑफर इज मेड बाय पोस्ट, अगर खत से भेजिए ऑफर, इट्स कम्युनिकेशन विल कम्प्लीट व्हेन लेटर रीचेस ऑफरी। एक मिनट, अगर नहीं तो आप सबके कानों में जाएगी खांसी। गलत माइक नहीं नीचे कर दिया था, शायद गलत माइक कर दिया था। तो अगर पोस्ट के थ्रू भेजी है, हम पोस्ट की बात क्यों कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आज के दौर में खत के थ्रू ऑफर होती होगी? आजकल ईमेल, व्हाट्सएप, टेलीफोन, इतना सब कुछ मौजूद है तो ख़त कहाँ से आ गया? चलें जी, इस लॉ का नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एग्जैक्टली 150 साल पुराना कानून। अंग्रेज़ों ने कानून दिया, उसके बाद हम जुरत नहीं कर सके इसमें कोई चेंज करने की। हमें लगा अंग्रेज़ों ने इतना ज़बरदस्त कानून दे दिया है कि अब इसके ऊपर क्या बात की जाए। तो हम लोग इतने पुराने कानून पढ़ रहे हैं, तो हम 1872 का कानून पढ़ रहे हैं, 150 साल पुराना। तो यहाँ ख़त की बात भी होगी, ख़त पहुँचने की बात होगी, ख़त ना पहुँचने की बात भी होगी, उसका ख़त पहले पहुँच गया, इसका ख़त बाद में पहुँच गया, उसकी बात भी होगी।
तो थोड़ा सा तैयार रहें कि हम कुछ पुरानी बातें भी यहाँ पे कर रहे होंगे जिसमें कुछ पुराने अल्फाज और पुराने तरीके से, लेकिन प्रैक्टिकली अब ये वाली चीज़ें आधी अप्लाई नहीं होती। आप कहेंगे अगर अप्लाई नहीं होती तो हमें पढ़ा क्यों रहे हैं? इसलिए कि आपको पढ़ाने के लिए एक ऐसा बेस लॉ चाहिए जिसमें मोटी मोटी बातें आपको समझ आ जाएँ। ये बेस लॉ बहुत अच्छा है, इसमें ऑफ़र को समझाया बड़े अच्छे तरीके से, एक्सेप्टेंस को अच्छे तरीके से, कॉन्ट्रैक्ट को अच्छा समझाया है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बातें आएंगी जो थोड़ी सी पुराने दौर की होंगी, लेकिन आपने उनको भी याद करना है क्योंकि पेपर में सिलेबस में तो शामिल है। तो अगर ख़त होगा तो जब ख़त रीच कर जाएगा ऑफरी को तो हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन कम्प्लीट हो गई। हमने ये नहीं कहा कि जब वो ख़त पढ़ लेगा, क्यों नहीं कहा? हमें नहीं पता लगेगा। तो इसलिए अगर इस डिबेट में रहना, उसने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, फिर तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। तो अगर किसी के ऑफिशियल एड्रेस पे ख़त पहुंच जाता है तो जिस दिन पहुंचता है इट कैन बी अज्यूम्ड कि उस दिन वो पढ़ लिया गया होगा। अब वो बाद में कहे मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने पढ़ा था, उसका तो कोई सबूत ही नहीं। हाँ, ख़त के पहुँचने के सबूत कई तरह के हो सकते हैं कि अगर कुरियर वगैरह से भेजा है तो वो साइनिंग ले ले, डाक से भेजा है तो उस पर टिकट से पता लग जाए कि किस दिन वो हुआ था, डाक के एड्रेस में, डाक के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि किस दिन डाकिये ने यहाँ से निकाला था और किस दिन इसको डिलीवर किया था। तो इसलिए यहाँ पे रूल ये नहीं है कि जब वो पढ़ ले, रूल क्या है, जब भी खत उसको पहुँच जाए। ये भी बात मजे की थी। ऑफर कैन बी मेड बाई वर्ड स्पोकन और रिटन और थ्रू कंडक्ट ऑफ द पर्सन। यकीन माने ये वाला जुमला हमें पहले से पता है, कल पढ़ा था। वर्ड स्पोकन भी हो सकते हैं, रिटर्न भी हो सकते हैं, कंडक्ट ऑफ पर्सन। तो इधर भी कोई बहुत मुश्किल बात इन्होंने नहीं की। देन कंडक्ट का मतलब क्या है? कंडक्ट एक्शंस। तो कंडक्ट का मतलब यहाँ एक्शन। तो ऑफर कैन बी मेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटर्न और थ्रू एक्शंस ऑफ द पर्सन। कंडक्ट हम कहते हैं उस बंदे का कंडक्ट ठीक नहीं है, उस बंदे की हरकतें ठीक नहीं है। तो कंडक्ट का मतलब है यहाँ एक्ट। नीचे एक एग्जाम्पल पेस्ट हुई हुई है गलती से, इसको आपके पास आ रही है कहीं? नहीं आ रही ना। हाँ, ये मेरे पास स्लाइड में गलती से पेस्ट हुई हुई है, तो आपने इसको इग्नोर कर देना है। यहाँ तक बात समझ आ रही है? ये पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, किताब बगैर देखे आपने सोच के मुझे बताना है, एक ऑफर कब ख़त्म हो जाती होगी? एक बंदे ने दूसरे को ऑफर दी, ये ऑफर कैसे कैसे ख़त्म हो सकती है? अगर एक टाइम गुजरने तक वो एक्सेप्ट ना करे, अगर टाइम मैंशनड है, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 5 दिन में जवाब दो, 5 दिन गुजरने तक जवाब नहीं आया, ऑफर फौत। अच्छा, अगर टाइम ना लिखा हो फिर क्या होगा? एक मुनासिब टाइम के अंदर, भाई हर चीज़ की एक ऑफ़र है ना। अगर एक बंदे ने फल देने की ऑफ़र की है तो फल गल सड़ भी जाते हैं, तो फिर देखेंगे कि उस फील्ड में रीज़नेबल कैसे कहते हैं। रीज़नेबल क्या होता है? मुनासिब। कॉलेज में क्लासें शुरू होने में 1 दिन रह गया, आपने कॉलेज में एडमिशन भेजा और आपने कहा इसको जल्दी से प्रोसेस कर दो, उन्होंने कहा हाँ हम रीज़नेबल टाइम में प्रोसेस कर देंगे, अगले दिन क्लास है और उस क्लास में आपने बैठना भी है, तो रीज़नेबल टाइम क्या है? शाम तक। आपने महीना पहले कॉलेज से कहा कि अगले सेशन की मैंने क्लासें लेनी है, मेरा एडमिशन प्रोसेस कर दो, उन्होंने कहा रीज़नेबल टाइम में कर देंगे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इवन महीना भी रीज़नेबल है। तो एक ही बंदे ने पिछली दफ़ा भी रीज़नेबल बोला था और उसी ने अभी भी रीज़नेबल बोला है, आप ही ने लास्ट टाइम रीज़नेबल सुना था, अभी भी आप ही ने रीज़नेबल सुना है। तो पिछला रीज़नेबल 1 दिन था और आज का रीज़नेबल 1 महीना हो गया। इसका मतलब है रीज़नेबल इंतहाई अनरीज़नेबल वर्ड है। मतलब एक अजीब सा ऐसा वर्ड है कि जो मतलब जो रीज़नेबल है ही नहीं। तो रीज़नेबल एक क्वालिटेटिव सी चीज़ है, मतलब अगर मैं कहूँगा ना रीज़नेबल टाइम, तो इसका मतलब होगा जैसी उस सिचुएशन में मुनासिब होगा वो रीज़नेबल है। तो हमने ये कहा कि ऑफ़र ख़त्म कैसे कैसे हो सकती है। एक भाई ने कहा जो टाइम लिखा हुआ है, बोला हुआ है, सुना हुआ है, समझा हुआ है, अगर उस टाइम में एक्सेप्ट ना हो तो फारिग हो जाएगी, और अगर टाइम नहीं है तो रीज़नेबल टाइम तक अगर एक्सेप्ट ना हो, और क्या तरीका है? कंडीशन। उसने कंडीशन दी थी, उसने कहा ये मेरी कंडीशन है, अगले ने उन कंडीशन को उठा के कचरे में फेंक दिया, तो फिर हम कहेंगे ऑफर फारिग हो गई। और कोशिश करना है बगैर देखे आप बताएं, और जब आपको किताब में यही बातें नजर आए तो कितना मजा आए। जी, काउंटर ऑफर। यहाँ से एक भाई के साथ डिस्कशन हो रही थी कि अगर ऑफर ही आगे से अपनी शर्त रखते, तो मैंने कहा था ये काउंटर ऑफर है। अब पिछली 200 वाली ऑफर तो फौत हो गई है, अब बात हो रही है 220 की। तो अगर आगे से कोई काउंटर ऑफर आ जाए, आगे से कोई ऑफर आ जाए। जी, और काउंटर ऑफर ऑफरी,
जिसको आपने ऑफर दी वो आगे से उसका जवाब दे सकता है। यानी आपने कहा कि मैं तुमसे 200 रुपए के आम लेना चाहता हूँ, उसने कहा मैं तो 220 रुपए के बेचना चाहता हूँ, तो अब टेक्निकली उसकी तरफ से आगे से जो शर्त आई है, अब उसकी तरफ से एक नई ऑफर आई है, क्या वो कह रहा है कि 220 में आम लेने हैं? अब हमने बताना है कि लेने हैं या नहीं लेने हैं आम 220 रुपए में। जी फिर हम ऑफरी बन जाएंगे, अब काउंटर ऑफर से हमारी ऑफर फौत हो गई, अब वो बन गया ऑफर और हम बन गए ऑफरी। जी नहीं, असल में वो तो आपने ऑफर के अंदर एक शर्त रख दी है कि ये ऑफर शुरू ही उस वक्त होगी अगर उस दिन मार्केट खुली हुई, यानी आपकी ऑफर ही मशरूत हो गई, ये ऑफर जिंदा ही तब होगी जब उस दिन मार्केट खुली हो, अगर मार्केट नहीं खुली तो ये ऑफर चलेगी नहीं। इसके ऊपर हम एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर कहते हुए मैं बड़ी मुश्किल से हासा रोका है, चैप्टर 5 है एक सफ़े का तो हम एक वो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इस इशू को समझने के लिए, वो कहलाता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कि जब आपकी शर्त होती है कोई ना कोई। जी हम देख रहे थे ऑफर ख़त्म कैसे कैसे होती है, ऑफर देने वाले की डेथ हो जाए, ऑफर दी अगले बंदे के एक्सेप्ट करने से पहले पहले ही मर गया। मेरा एक सवाल है, अगर एक्सेप्ट होने के बाद मरा फिर लीगल बाइंडिंग है, लीगल बाइंडिंग है तो वो बंदा इसकी लाश को अदालत ले जा सकता है। कानून ने तो मरे हुए बंदे को भी नहीं बख्शा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इस बंदे ने दूसरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और उस कॉन्ट्रैक्ट में इसने उसके 1,00,000 देने थे, ये मर गया, अगर ये मर गया तो बेटा जवाब दे। मेरा एक सवाल है, बेटे का कसूर बताए भाई। एक बेटा सुकून से बैठा हुआ है, अचानक से अब्बा जी के मरने पे उसको किसी ने आके कहा 1,00,000 रुपए अब्बा जी ने देने थे अब तुम दो, विरासत में भी तो हिस्सा मिल रहा है। जब उसको विरासत के 1,00,000 रुपए मिल रहे थे तब तो उसने नहीं पूछा मेरा कसूर क्या है। तो जब वो एसेट का हिस्सेदार है तो लाइबिलिटीज का हिस्सेदार भी है। अब तो ये वर्ड आपको समझ आते हैं, FR1 आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। तो जब मैं अच्छे तरीके से कहता हूँ ना तो चेहरों पे मायूसी नजर आती है। FR1 तो अच्छा हुआ होगा ना, ठीक है, मतलब कुछ लोग वो है ना जो मतलब FR1 कॉस्ट और वो उठा लिया था, टैक्स उठा लिया था, उसके बाद पूरा सेशन जो है ना बेचारे टकरे मारते फिर रहे थे और फिर सोच रहे थे बस बहुत गलती हो गई, अब हमने लाजमी बीला उठाना है, कॉस्ट हमने खामखा उठा लिया था। कॉलेज ने शुरू में बड़ा समझाया था भाई बीला उठा लो, एक साथ दो दो अकाउंटिंग्स बगैर इंट्रो पढ़े बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन आवाम जोशीली होती है, सुनती नहीं कभी भी। तो अब आपको लाइबिलिटी और एसेट का भी पता है, अब आपने साथ साथ थोड़ा सा इंट्रो में ये जो भी साथ साथ चल रहा है बैच उसमें भी आपको एसेट लाइबिलिटी की समझ आ गई है। तो अगर फादर का तरका मिलना है, फादर की विरासत में हिस्सा मिलना है, तो फादर की लाइबिलिटीज भी मिलनी है। शायद आपने कई जगह जनाजों पर ये ऐलान होते सुना हो, क्या भाई मैयत ने किसी के पैसे तो नहीं देने? तो आप सोचते होंगे यार अजीब सी बात है, बंदा मर गया इस वक्त पैसों की बात हो रही है, ज़रूरी है, चूँकि जो उसकी लाइबिलिटीज़ हैं वो भी बच्चों को मिलेंगी, लेकिन बच्चों पर जुल्म भी नहीं करना, एसेट से ज़्यादा की लाइबिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। जायदाद मिली 2,50,000 की, लाइबिलिटीज़ हैं 5,00,000 की, बच्चे 2,50,000 से ज़्यादा देने के पाबंद नहीं हैं। तो कानून ने जुल्म नहीं किया, लेकिन कहने का मतलब है कि ऑफर देने वाला अगर एक्सेप्ट होने से पहले मर जाए फिर तो ऑफर ही मर गई, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, लेकिन अगर उसने आगे से एक्सेप्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, अब ये कानूनी हैसियत रखता है। अब ये बंदा मर भी जाए तो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से जाके वो उसको रिकवर करा सकता है। चैप्टर 6 से लेकर 10 तक हम देखेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है, फिर वहाँ देखेंगे कि एक बंदा मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से हम कैसे डिमांड करेंगे। जी नहीं जी, इन्होंने बड़ी मज़े की बात की, इन्होंने कहा जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट करा अगर वो मेंटली स्टेबल नहीं है, अगर ऑफर देने वाला ऑफर एक्सेप्ट होने से पहले पहले पागल हो जाए, ऑफर देने वाला एक बंदे ने दूसरे को ऑफर दी और एक्सेप्ट होने से पहले पहले इसका दिमागी तवाजुन ख़राब हो जाए तो भी ऑफर फौत हो जाएगी, जैसे मरने पे फौत हो गई है वैसे ही दिमागी तवाजुन ख़राब होने पे भी। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट बन जाने के बाद दिमागी तवाजुन ख़राब हो तो वो हम आगे जाके चैप्टर 6-7 वगैरह में पढ़ेंगे। चैप्टर 2-5 तक हमारी अजम्पशन है कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, हम वो सारी चीज़ें समझ रहे हैं। 6 से आगे हम देखेंगे बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कैसे होगा या परफॉर्म कैसे होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त जो जो एहतियातें हैं वो बात कर रहा है, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट के कोई 8-10 असेंशियल्स हैं, उनमें से एक असेंशियल है ऑफ़र,
एक एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन, फिर आगे हम अलग अलग तरह के, तो चैप्टर 2, 3, 4 इसमें हम वो सारे एसेंशियल्स ही पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। जी अगर ऑफर लीगल नहीं है, अगर ऑफर देने वाले ने गैर कानूनी बात की है तो वो नहीं मानी जाएगी। चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे कि अनलॉफुल चीज मना है। मैं अपने सवाल पे वापस आता हूँ, सवाल क्या था? ऑफर खत्म कैसे कैसे हो सकती है? आपने का बंदा मर जाए, आपने का बंदा पागल हो जाए, आपने का जी शर्तें पूरी ना हो, आपने का टाइम जो है, फिर आपने का काउंटर ऑफर आ जाए आगे से, ऑफर ही रिजेक्ट कर दे, आपने ऑफर दी उसने का नहीं चाहिए ऐ पाई जी ऑफर, तो वो ऑफर फौत हो गई ना, उसने आपके ऑफर को पकड़ के कचरे में डाल दिया। तो अगर अगला बंदा ही एक्सप्रेसली रिजेक्ट कर दे या कहे मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो ऑफर खत्म। और अगर कुछ लॉ बीच में अचानक से आ जाए, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने दूसरे को ऑफर दी कि मैं तुम्हें पतंगे बेचना चाहता हूँ इतने पे, दूसरा भी एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रहा था कि गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया कि पतंग बेचना मना है, तो अगर कानून बीच में आ जाए तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, फिर तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बेचारा कुछ नहीं करेगा। माइनर कौन हो? ऑफर देने वाला अगर माइनर है तो ऑफर शुरू ही नहीं हुई। सवाल ये है कि शुरू हुई भी ऑफर खत्म कैसे हो सकती है? वो चीज़ ही तबाह हो गई। आपने ऑफर दी थी कि ये मेरी गाड़ी जिसका ये नंबर है, ये इंजन नंबर है, ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम बताओ। अभी वो सोच रहा था कि गाड़ी पे बिजली गिर गई, चोरी हो गई, तबाह हो गई। अब वो अगर वो चीज़ ही नहीं रही जिसका एग्रीमेंट हो रहा था तो खत्म। जी अगर एग्रीमेंट होने के बाद तबाह होती फिर क्या होता? चैप्टर 6 से 10 वाले जोन में पढ़ेंगे। अब ये समझना बड़ा ज़रूरी है। अभी हमें नहीं पता कि बनने के बाद क्या क्या कुछ होना है। बनने के बाद के रूल्स अलग हैं, बनने से पहले के रूल्स अलग हैं। अभी हम देख रहे हैं कब बन सकती है कब नहीं बन सकती। अगर एक ऑफर ही फौत हो गई तो एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती, और एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो 2 से 5 तक हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट बनते तक क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं। 6 से 10 तक देखेंगे कि बन चुका है, बाद में बंदा मर गया, बाद में पागल हो गया, बाद में लॉ आ गया, बाद में इस तरह से आ गया, तो वो आगे के चैप्टर्स हमें बताएंगे इंशाल्लाह। जी कुछ कुछ बातें समझ आ रही हैं? जी ऑफर देने वाला, बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, ऑफर देने वाले ने खुद ही अपनी ऑफर वापस ले ली। एक बंदे दूसरे को ऑफर किया, उसने कहा यार मैं तुम्हें 200 रुपये के तुमसे आम खरीदना चाहता हूँ, फिर मार्केट में कहीं और नजर आया, उसने कहा नहीं यार वो मैंने ऑफर दी थी तुम्हारी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं आई, खत्म कर दो उसे। तो ऑफर देने वाला अपनी ऑफर वापस भी ले सकता है, उसको हम कहते हैं रिवोक कर देना, खत्म कर देना अपनी ऑफर को, खुद से ही खत्म कर देना। टाइम लिमिटेड, ये हमने सबसे पहली बात की थी कि अगर एक ने टाइम डिफाइन किया हुआ है टाइम पे खत्म हो जाएगी। जिसको ऑफर दी जा रही है उसका कोई मसलो मसाइल हो, तो असल में बात यह है कि हम देखेंगे कि ऑफर ख़त्म कब होती है। अगर सामने वाला बंदा इनकम्पिटेंट है तो फिर हम उसको ऑफ़र दे नहीं सकते। ये हम एक और चैप्टर में पढ़ेंगे कि और क्या सेंशन। अभी तो हम सिर्फ ऑफ़र की बात कर रहे हैं। किताब से देखते हैं किताब क्या कहती है। ऑफर इज लेफ्ट इन फॉलोइंग वेज, रेवोकेशन ऑफ ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी। ऑफरी के एक्सेप्ट करने से पहले पहले आपने ऑफर को रिवोक कर दें। इस जुमले में कॉमे आगे पीछे कर देंगे तो मसला डिफरेंट हो जाएगा। रेवोकेशन ऑफ ऑफर, ब्रेक लगानी है, बिफोर एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी। कहीं ऐसा तो नहीं पढ़ रहा है आप इसे, रेवोकेशन ऑफ ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी। इस जुमले के दोनों तर्जुमे निकलते हैं, रेवोकेशन ऑफ ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी। तो ऐसा लग रहा है कि रेवोकेशन ऑफ ऑफर बाय द ऑफरी हो रहा है बिफोर एक्सेप्टेंस, ऐसा नहीं है। वक्फा यहाँ लेना है, रेवोकेशन ऑफ ऑफर, ऑफर रिवोक हो जाना बिफोर एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी। ऑफरी के एक्सेप्ट करने से पहले पहले अगर ऑफरर अपनी ऑफर वापस ले ले तो एहतियातन ये इस बिफोर से पीछे कॉमा लगा ले ताकि डाउट ही ना हो कभी इस जुमले को पढ़ते हुए। जी रेवोकेशन ऑफ ऑफर बाय ऑफरर है। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि आपने यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, नहीं तो अगर आप नहीं लगाएंगे ना तो शायद अगली दफा आप पढ़ते हुए इसको उसके साथ जोड़ दें।
और एक और काम भी हो सकता है जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप बाय द ऑफरी को ही ख़त्म कर दें। एक्सेप्टेंस तो होती है ऑफरी की तरफ से, तो बन जाएगा रेवोकेशन ऑफ ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस। तो जिस तरह से भी आपको सहूलत हो, ये डेफिनेशन नहीं है, ये पॉइंट्स हैं, इनके अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं, डेफिनेशन में मजबूर होते हैं। ये बात समझ आती है, आप लोगों ने बताई थी। लैप्स ऑफ टाइम, या तो स्पेसिफाई होगा ऑफर में, नहीं स्पेसिफाई होगा तो रीजनेबल टाइम। डेथ या इनसैनिटी ऑफ द ऑफरर, मर जाए या इनसेन हो जाए, पागल हो जाए। इफेक्ट ऑफ हिज डेथ और इनसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। अगर उस बंदे के मरने का या इनसेन होने का उसको एक्सेप्टेंस से पहले पहले पता लग गया कि हाँ भाई वो बंदा पागल हो गया है या मर गया है, तो वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर एक बंदा मर गया बाद में या इनसेन हुआ बाद में, तो फिर मामला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। वो क्या होगा, वो हम लोगों ने आगे पढ़ना है कि अब चूंकि एक्सेप्टेंस हो गई तो फिर तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद के मसलों मसाइल हमने आगे पढ़ने हैं इंशाल्लाह। जी जी, ठीक है, और उसे पता भी है वो मर गया, लेकिन फिर भी वो उसको साइन, अगर उसको पता है तो इसका मतलब ऑफर ही फौत हो गई है, खत्म हो गई। अब अगर ये उसे साइन करके वापस भेज भी दे और कल को अदालत में किसी तरीके से हम साबित कर दें कि जी वो बंदा तो पहले का मरा हुआ था और इसको पता भी था, तो फिर ये एक्सेप्टेंस ही वैलिड नहीं होगी। नहीं पता फिर सर, अगर नहीं पता तो वैलिड। एक बंदे ने खत लिखा और खत लिखते ही मर गया, उस बंदे को खत मिला, उसने कहा बड़ी अच्छी ऑफर है, उसने खत का जवाब दिया और अपने पास वो सामान साइड पे रख दिया, उसका क्या कसूर? तभी हम एक्सेप्टेंस में देखेंगे, बड़े मज़े के रूल हैं खत के, कि खत पहुंचता है, खत रिसीव वो जाता है, तो कौन कब लायबल होता है। जी, यहाँ तक बात समझ आ रही है? ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आपने बताए हैं, हम सिर्फ इसको अंग्रेजी में देख रहे हैं। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट टू द ऑफर, प्रेसिडेंट ये क्या वर्ड होता है? अक्सर एंकर्सों को आपने सुना होगा, इस चीज़ का तो कोई प्रेसिडेंट नहीं पाया जाता। प्रेसिडेंट कहते हैं किसी पुराने कानून को, किसी फॉर एग्जांपल अदालत में एक केस आया और अदालत ने उसका एक फैसला सुनाया, तो अब उस तरह का केस जब भी आएगा तो हम कहेंगे हमारे पास एक प्रेसिडेंट मौजूद है, पीछे ऐसा हुआ था कभी और उस पर यह सज़ा सुनाई गई थी। तो प्रेसिडेंट का मतलब होता है जो उस जो पहले से चीज़ मौजूद हो। तो नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन जो कि ऑफर में मौजूद थी, सादा तर्जुमा, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन जो कि ऑफर में दी गई थी। तो आसान अल्फाज में ऑफर ने जो शर्तें दी थी वो शर्तें कबूल नहीं हुई। क्लियर? फुलफिलमेंट का मतलब क्या है? फुलफिलमेंट पूरा हो जाना। तो वो शर्तें जो थी ऑफर में, वो शर्तें अगर पूरी नहीं हुई, नॉट फुलफिल, हम कहते हैं ना उस बंदे ने रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, तो फुलफिल का मतलब होता है उसके ऊपर पूरा उतरना, तो नॉन फुलफिलमेंट का मतलब पूरा ना उतरे, तो जो शर्तें थी उनके ऊपर पूरा नहीं उतरे। काउंटर ऑफर आ गए, एक्सेप्ट करने वाले ने अपनी तरफ से एक ऑफर दे दी, पिछली आपकी ऑफर फारिग हो गई, या नॉन एक्सेप्टेंस या एक्सप्रेसली रिजेक्शन बाय द ऑफरी ने ही कह दिया नहीं भाई ये फारिग हो गया, अब जो है ये कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अगर ऑफर एक्सेप्ट हो गई है, ऑफर वंस एक्सेप्टेड, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगी, अब वो आपको रिवोक नहीं कर सकते। एक्सेप्ट होने से पहले पहले तक ऑफर ख़त्म हो सकती है, एक्सेप्ट होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद ख़त्म हो सकता है, यानी वो आगे का मसला है, वो अभी का मसला नहीं है। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? जी, अगर एक्सेप्टेंस के बाद लॉ में कोई तब्दीली, एक्सेप्टेंस के बाद कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, तो आप कहना चाह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद अगर लॉ में कोई तरमीम हो जाए, तो इसका जवाब बताएं मैं क्या दूंगा? चैप्टर 6 के बाद देखिए, अभी कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं है, हम कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चैप्टर 2, 3, 4, 5, इसमें कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश हो रही है। बनने से पीछे तक के मसले यहाँ डिस्कस करेंगे, जब बन जाएगा तो वो मसले वहाँ डिस्कस करेंगे, कि बनने के बाद अगर कुछ, एक्सेप्टेंस का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद जो मसले हैं वो हम लोगों ने आगे उस जोन में देखने हैं इंशाल्लाह ताला। जी, यहाँ तक सारी बात समझ आ रही है? ठीक है, इसको आसान अल्फाज में लिख देते हैं, नॉन फॉलोइंग द कंडीशंस गिवन बाय द ऑफरर, नॉट एक्सेप्टिंग द कंडीशंस गिवन बाय द ऑफरर। ऑफरर ने शर्तें रखी थी, अगले बंदे ने उन शर्तों को फॉलो नहीं किया,
शर्तों को फॉलो करना या शर्तों को फुलफिल करना, इसका सेम मतलब है। फुलफिल को ज़रा भारी कर देते हैं, थर्ड फॉर्म में ले जाते हैं या उसको उसमें टोन में ले जाते हैं, टेंस की टोन में। तो फुलफिलमेंट, तो नॉन फुलफिलमेंट का मतलब है पूरा ना करना। किस चीज़ को पूरा ना करना? कंडीशंस को। कौन सी कंडीशन? प्रेसिडेंट टू द ऑफर, जो ऑफर में शामिल थी। तो इस जुमले को आप आसान इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि जो ऑफरर ने कंडीशंस दी थी वो फॉलो ना की। जी सर, जी अगर एक ऑफी जो है वो उसे कोई कंडीशन मिली ऑफरर की तरफ से, ठीक है, कंडीशन को करने को कहता तो सर ये काउंटर ऑफर होगी। जी अगर ऑफरर ने कहा ये मेरी शर्त है और ऑफरी ने कहा ये वाली शर्त हटा दो, तो अब ये इसकी तरफ से काउंटर ऑफर आ गई। अब नई वाली बात इसने की है कि ये दो नहीं एक शर्त के साथ कॉन्ट्रैक्ट। जी सर आपने कहा जो रिवोक कर सकते हैं वो ऑफरर रिवोक कर सकते हैं अपने को, तो अगर ये एक्सेप्ट कर लिया ऑफरी ने तो रिवोक नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिवोक। एक्सेप्ट होने के बाद तो ऑफर की कहानी खत्म हो गई ना, अब तो ये प्रॉमिस बन चुका है। ऑफरी ने एक्सेप्ट किया, क्या अपनी वो एक्सेप्टेंस वापस ले सकता है? ये बड़ी मजे की बात है, ऑफरी ने अगर एक्सेप्ट किया तो क्या वो अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले सकता है? अभी हम ऑफर पढ़ रहे हैं, हम ऑफर की वापसी का जिक्र कर रहे हैं या खत्म होने का। कल इंशाल्लाह ताला हम एक्सेप्टेंस पढ़े होंगे तो हम देखेंगे कि एक्सेप्टेंस भी वापस ली जा सकती है। वो कब तक ली जा सकती है वो कल हम एक उसकी टाइमलाइन इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों वापस ली जा सकती है, दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। जी पढ़ेंगे अभी, मैं तो अभी एक दफ़ा इस पर देख रहा हूँ कि ये चीज़ें क्लियर हैं तो हम फिर पीछे जाके वो आखिरी वाला पॉइंट देख लें। सब क्लियर है? पीछे चलते हैं। कभी कभी एक अजीब सी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं इनविटेशन ऑफ एन ऑफ़र। वो ऑफ़र नहीं होती, वो लोगों को रागिब कर रहे होते हैं। कॉलेज ने बाहर तख्ती लगा दी, एडमिशंस ओपन, क्या ये सर्टन और डेफिनेट ऑफ़र है? क्या इसमें रुपए पैसे लिखे हुए हैं? क्या इसमें सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है? ये एक इन्विटेशन है, ये एक इश्तिहार है, वी आर रेडी, आओ हमारे पास एडमिशन ले लो। अगर कॉलेज एक बच्चे को रोक के कहे कि आबदी साहब की बी लॉ की क्लास 20,000 या पता नहीं जितने भी हज़ार की, इतने हज़ार की यहाँ हम क्लास ऑफ़र कर रहे हैं, अगर आपको ये वाली क्लास चाहिए तो आप 20,000 जमा कराएं शुक्रिया के साथ। जब एक बंदे ने दूसरे को इस इरादे से कुछ कहा कि वो उसकी रजामंदी हासिल करने की ख्वाहिश रखता है और सर्टन और डेफिनेट भी है आबदी साहब की बी लॉ वाली क्लास और इतने हज़ार रुपये में ये ऑफ़र है, लेकिन अगर उन्होंने कहा एडमिशन्स आर ओपन इन बी लॉ क्लास, अभी नहीं पता कितने रुपए पे, कब के लिए, क्या, तो ये उन्होंने एक इश्तिहार सा दिया है। बच्चा आके कहेगा हाँ जी मैंने इसमें एडमिशन लेना, अब बातचीत शुरू होगी। डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर लगा हुआ है सेल लगा दी, इनविटेशन टू ऑफर। कंपनियों ने अखबार में इश्तिहार दिया कि हम लोग अपने शेयर्स देने लगे हैं, आए आप देखिए हमारी कंपनी बड़ी ज़बरदस्त है, इनविटेशन। किसी हाउसिंग सोसाइटी वालों ने कहा जी हमारी बड़ी ज़बरदस्त हाउसिंग सोसाइटी है, अलग अलग प्लान है, आए विजिट करें, इनविटेशन टू ऑफर। फ्रूट मार्केट में एक फल वाला अपने फल सजा के बैठा हुआ है और उसने ये नहीं बताया कितने रुपए के हैं। तो फ्रूट मार्केट में अगर आप एक फल वाले के पास जाके पूछें कि क्या ये फल बेचने के लिए रखे हुए हैं, तो अगर वो फैसलाबाद से हुआ तो वो आगे से आपको उसके अजीबोगरीब किस्म के जवाब देगा कि भाई मतलब मैं फ्रूट मार्केट में बैठा हुआ हूँ, सामने फल रखे हुए हैं, रेडी पे रखे हुए हैं, तो इसका एक ऑब्वियस मतलब है, इम्प्लाइड मतलब है ना कि मैं बेचना चाहता हूँ। हाँ लेकिन चूंकि उसने कोई प्राइस टैग नहीं लगाया था, कोई आवाज़ नहीं लगाई थी कि 100 रुपए के ले जाओ, 50 रुपए के ले जाओ, तो ना कुछ एक्सप्रेस था, बस इम्प्लाइड उसने फल सजाए हुए थे, लेकिन चूंकि इसमें सर्टेनिटी नहीं थी, बस फल सजे हुए पता नहीं कितने के हैं। तो अगर कोई इस तरह से फल से जाके बैठा हुआ है, मैं कहूँगा इनविटेशन टू ऑफर है। कोई लिख देता है एडमिशन ओपन, इनविटेशन टू ऑफर। कोई कहता है आओ हमारे शेयर्स खरीदो फरोख्त के लिए हाजिर हैं, इनविटेशन टू ऑफर। कोई कहता है नई स्कीम लॉन्च की है, आए अपना प्लान बनवा लें हमसे, इनविटेशन टू ऑफर। तो इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर में फ़र्क है। ऑफर कब होगी? जब एक बंदा बड़े वाजे तरीके से दूसरे से कहेगा ये चीज़ है इतने की है, बताओ क्या कहते हो। तो जब चीज़ का जिक्र हो, उसकी प्राइस का जिक्र हो, जब बड़ा वाज़े तरीके से एक बंदा दूसरे को बता रहा हो कि ये चीज़ इस तरह से है, तो वो कहलाएगी ऑफ़र। तो हमारी किताब थोड़ा सा घबरा गई, उसने कहा इनविटेशन टू ऑफ़र को ऑफ़र मत कह बैठना, इनविटेशन टू ऑफ़र को ऑफ़र नहीं कहना। ये जो आपका सेंड आउट्स है ना, इन हैंड आउट्स में कुछ जगह आपको
कुछ डिजिट्स नज़र आएंगे छोटे से करके कॉर्नर पे, अगर दिखाएं तो मैं आपको इनविटेशन ऑफ एन ऑफर के आगे ऊपर टॉप पे करके वन लिखा हुआ है। आईकेप की जो किताब है उसकी आदत क्या है, वो एक हेडिंग देते हैं, नीचे तबसरा करते हैं और नीचे दो तीन एग्जांपल्स पेस्ट कर देते हैं, फिर अगला टॉपिक शुरू होता है। तो जब एक बच्चा पढ़ने के बाद याद करने की तरफ आता है तो ढूंढ रहा होता है कि बीच बीच में से याद क्या करना है, और एग्जांपल्स अच्छी भी होती हैं समझने के लिए। तो मैंने अपनी किताब में, जब किताब आपके पास फुल फॉर्म में आएगी, तो किया ये कि सारी एग्जांपल्स को एंड पे कर दिया और उनको क्रॉस लिंक कर दिया इस तरह के डिजिट्स के साथ। तो किताब में जब नोट्स का पोर्शन ख़त्म होगा तो वहाँ कोई 100 के करीब एग्जांपल्स दी हुई हैं। यहाँ नंबर लिखा हुआ होगा 1, तो आप वहाँ एग्जांपल नंबर 1 जाके देखेंगे तो इसकी एक एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल याद करने के लिए नहीं होती, समझने के लिए होती है। आईकेप के पिछले 20 साल के सारे पास्ट पेपर्स में सारे जितने भी सवाल, उन सब में सिर्फ एक दफ़ा 2 नंबर के लिए उन्होंने एग्जांपल पूछी थी। 20 साल का मतलब है 40 अटेम्प्ट्स। यानी एग्जांपल हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं होता। जैसे मैं चलते चलते 4 एग्जांपल्स दे देता हूँ, वो क्यों होती हैं समझाने के लिए। तो पेपर में आईकेप आपसे ये नहीं कहेगा कि हमें एग्जांपल्स दो, वो आपसे कहेगा हमें कानून बताओ। तो जो लॉ वाली बातें मैंने सारी इकट्ठी कर दी, एग्जांपल्स को उठा के एंड पे कर दिया, उससे क्या हुआ, जो याद करने वाला कंटेंट है वो एक जगह इकट्ठा हो गया कि आपको पता है हाँ ये याद करने वाला है। एग्जांपल पढ़ ली, समझ आ गया, मुस्कुरा दिए। नहीं समझ आया, अगले दिन मुझसे कहा सर वो एग्जांपल नंबर 27 जो एंड पे लिखी हुई थी यहाँ से, वो नहीं समझ आई, वो क्या बात लिखी हुई है, मैं वो आपको समझा दूंगा। तो एग्जांपल को किसी टाइम पे याद नहीं करना, फिलहाल तो आप एग्जांपल देख भी नहीं सकते। यही एग्जांपल जो भी मैंने आपसे कही है ये वहाँ पे एंड पे दी हुई है, बात समझ आई। अंग्रेजी भी पढ़ लेते हैं ताकि आप ये ना कहें कि जी वो सर अगर हमें बता देते तो। एन इंटेंशन ऑफ अ पर्सन टू इन्वाइट अदर विद अ व्यू टू एंटर इनटू एग्रीमेंट। जब एक बंदा दूसरे को इन्वाइट करता है, आओ जरा बैठ के बात करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इन्विटेशन ऑन ऑफर, ऑफर नहीं है। पर्पज ऑफ सच इन्विटेशन इज टू सर्कुलेट इन्फॉर्मेशन ऑफ हिज रेडीनेस टू डू ट्रांजेक्शन। क्या मकसद है इस इन्विटेशन का, कि मैं रेडी हूँ, आओ बैठ के बात करते हैं। कॉलेज ने लगा दिया एडमिशन ओपन, मतलब क्या था, हम एडमिशन करने के लिए तैयार बैठे हैं, तुम आओ बताओ कौन सा सब्जेक्ट, बताओ कौन सा टाइम, फिर बैठ के बात करते हैं। तो इसका मतलब है कि जब कोई अपनी विलिंगनेस शो करे कि मैं रेडी हूँ, आओ ट्रांजेक्शन करें, तो वो इन्विटेशन है। सच इंटेंशंस आर नॉट कंसिडर, ऐसी इंटेंशंस को ऑफर नहीं करेंगे। अच्छा, अब अगर उसी फल फ्रूट वाले ने एक तख्ती लगाई हुई और उस पर लिखा हो ₹100 और नीचे लिखा हो नॉट नेगोशिएबल, बिल्कुल कोई बहस नहीं होनी, तो ये उसकी तरफ से एक ऑफर है कि वो फल, अब आपने सिर्फ आके फल उठा के शॉपर में डालने, वजन करना और वजन के हिसाब से पैसे दे देने। और कई जगह तो पहले ही 1-1 किलो के वो बने हुए होंगे, जैसे यूटिलिटी स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर में 1 किलो चीनी इतना रेट, नीचे पैकेट रखा हुआ है, पैकेट उठा के ले जाके रखेंगे, उनकी ऑफर थी, आपने पैकेट उठा के वहाँ रख के जो पैसे दे दिए, तो इसका मतलब ये आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस हो गए। तो ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में फ़र्क समझ आ रहा है। कल इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे कि इसमें क्या क्या किस इस तरह से। तो ये वाला पेज जिस पे अब ऑफ़र की सारी बातें हैं, ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी आपके पास मार्जिन है, अगर आप कल नहीं लिख सके थे तो आज कम से कम लिख लें, क्योंकि अब आप इससे आगे अगर डिले करेंगे ना तो फिर पीछे रह जाएंगे। साथ साथ लिखते रहें, यकीन माने सुकून से सिलेबस होता चला जाएगा इंशाल्लाह। जी ठीक है, अगर तो कॉलेज पक्का हो कि ये प्राइस इतनी ही है तो फिर तो ये ऑफर है, लेकिन आपको पता है कि कॉलेज के पास आके आप थोड़ी सी अपनी को मजबूरी बताते हैं तो इनका दिल पसीज जाता है और ये थोड़ा बहुत उसमें गुंजाइश। तो इसका मतलब ये उन्होंने इनवाइट किया था कि इतने पैसे के, आओ जरा बैठ के बात कर लेते हैं। बुक कब आएगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। हाँ जी, तब तक हैंड आउट मिलते रहेंगे, ठीक है।